मरने वाला पीडीए से बाहर का, मारने वाला पीडीए के अंदर का, इसलिए आपको मारने वाले की चिंता ज्यादा है। राकेश जी, आपको कुछ पता चला आपके बारे में? क्या बताइए? आप जिहादी हैं। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कि जो न्यूज चैनल्स बहराइच में जा करके रिपोर्टिंग कर रहे थे वो रिपोर्टिंग जिहाद कर रहे थे। अब उसमें पता नहीं आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है कि नहीं है, वैसे जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें आपके भी उन्होंने जर्नलिस्ट का नाम लिखा है। तो अब ये पहले तय करना पड़ेगा कि आप जिहादी हैं कि नहीं। फराज खेत भाई साहब, आपको एक बात पता है? बताइए बताइए आपके बारे में। सर, आप नेता हैं लेकिन जर्नलिज्म की चिंता ज्यादा करते हैं और नेतागिरी की चिंता कम करते हैं। आपकी पार्टी आपको अपनी पार्टी की रणनीति बताने के लिए भेजती है, पार्टी का स्टैंड बताने के लिए भेजती है, लेकिन आप वो काम करने की बजाय हमें सवाल कैसे पूछना चाहिए, रिपोर्टिंग कैसे करनी चाहिए, पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, इसकी चिंता ज्यादा करते हैं सर। तो ये चिंता मत किया करिए, हमें कौन क्या कहता है वो हमारे हिस्से का काम है, वो मैं देख लूंगा। सर, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। देखिए देखिए राकेश जी, हम लोग राजनेता हैं, आप सही बोल रहे हैं, चाहे हम हो चाहे शिवम त्यागी जी हो, और पॉलिटिकल सिनेरियो में जो पत्रकारिता है वो भी आती है। तो अगर हमारे भाई जैसे राकेश पांडे को कोई जिहादी बोलेगा तो मुझे तो तकलीफ होगी। नहीं, आपको भी कोई जिहादी बोलेगा तो तकलीफ होगी, लेकिन मेरे को कोई बोलेगा, मेरे मुंह पर आकर बोले, उसका हिसाब किताब मैं देख लूंगा। और आपने चिंता कर दी सर, आपका शुक्रिया, आपने इतना मेरे बारे में सोच लिया, आपका शुक्रिया। सवाल पर लौटाइए सर, समय खराब मत करिए। जी जी जी, अब मैं सवाल पे लौटाता हूं। देखिए क्या है कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तो सरदार पटेल जी ने, राकेश जी, गोलवरकर साहब को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई वो इसलिए हुई कि गोलवरकर और उनके वर्कर ने देश में एक नफरत वाला माहौल बनाया जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। ये शुभ्राष्ट्रा माई छोटी बहन बैठी हुई है, ये काफी पढ़ती लिखती है, ये इनको पता होगा। तो जो नफरत का माहौल ये 1947 से बना रहे थे, आज भी उसी नफरत के माहौल पर ये स्टिक करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे। राकेश जी, जो मिश्रा लड़का था उसकी जो हत्या हुई वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत जो है वो संविधान से चलता है, उसकी हत्या भी गलत थी और उसको जो उसने किया और उसको उकसाने वाले जो लोग थे वो भी वैसा नहीं करना चाहिए था। अब आप देखिए राकेश जी, होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जब से लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हारी है, इनकी बौखलाहट जब जाहिर है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। नहीं, फराज किदवई भाई साहब, मैंने कहा ना सर, समय मेरे शो में थोड़ा सा कम होता है सर, इसलिए मैं चाहता हूं कि एकदम स्टिक रहे डिबेट की लाइन पर सर। तो आपने इतनी देर तक बात की, आप गए मिश्रा, आप गए रामगोपाल, लेकिन आप सरफराज पर नहीं आ रहे लौटकर, और इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने अभी थोड़े दिनों पहले एक जो लाल रंग का, जरा वो तस्वीरों तो डाल भी दीजिएगा टेलीविजन स्क्रीन पर, आपने पीडीए की जो परिभाषा बताई ना सर, पिछड़ा, दलित, ए फॉर, आपने लिख दिया उस पर अल्पसंख्यक मुसलमान, अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुसलमान से आपको मतलब है, और सरफराज उस क्राइटेरिया में फिट बैठता है, इसलिए आप सरफराज पर नहीं जा रहे हैं कि उधर जाएंगे तो सरफराज की आलोचना करनी पड़ेगी, तो कहीं वो वाला वोट बैंक नाराज ना हो जाए आपका। ये काम आपने अयोध्या में भी किया। सुनिए राकेश जी, आप मेरे छोटे भाई हैं लेकिन आप अच्छी जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं। सर प्लीज, मैंने पहले कह दिया ना, जर्नलिज्म मत सिखाइए सर, आप सीनियर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप राजनीति करिए सर, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। सुनिए, मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो एक ही डेफिनेशन बताई, आप उनके ट्वीट पर चले जाइए, उनके बयानों पर चले जाइए, ए में आधी आबादी जो, अरे भैया ये रथ है, इस पर जो मूर्ति रखी हुई है, इस पर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माल्यार्पण किया, इस पर देखिए ए फॉर अल्पसंख्यक मुस्लिम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिम को गिन रही है आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं। तो सर आप राजनीति ठीक से कर लीजिए, माफ करिएगा, आप सीनियर हैं, मुझसे उम्र में ज्यादा है, हो सकता है दोगुने भी हो, लेकिन सर माफ करिए, आप राजनीति ठीक से नहीं कर रहे हैं। राकेश जी, आप जो हैं, मैंने तो आपको एक बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस दी थी, मुझे लग रहा है आप बुरा मान गए। नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं भी फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूं, और एक सच्चे पत्रकार के तौर पर एक राजनेता को सीख दे रहा हूं कि अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं होता है, दूसरे लोग भी हैं अल्पसंख्यक में, तो उनको भी गिनिए, तब मानूंगा कि आप सच्चे अर्थों में राजनेता हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको जिहादी करी, आप जिहादी हैं क्या, ये बताइए सर प्लीज। फिर आप मेरी चिंता मत करिए शिवम त्यागी, मैंने आपको सर 5 मिनट दिया, 5 मिनट डिबेट की शुरुआत में आपको दिया, लेकिन आप सवाल की लाइन पर नहीं आए, और इसलिए नहीं आए शिवम त्यागी,
क्योंकि सरफराज इनके पीडीए के फॉर्मूले में फिट बैठता है, रामगोपाल नहीं। बेशक इन्होंने एक चीज कही कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की फेलियर है, उसी की वजह से होता है, अखिलेश यादव भी यही कहते हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या बंगाल में जब जो है प्रोसेशन पर यानी कि शोभ यात्रा पर पत्थरबाजी होती है वो भी लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है? जब ये ही स्थिति जो है झारखंड में होती है तो भी ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है? जब ये मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में होती है तो भी ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भी? ये लॉ एंड ऑर्डर में सारी स्थितियां ऐसी क्यों होती हैं कि सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, गैर भाजपा गैर कांग्रेस हो, लेकिन पर्टिकुलरली एक समाज से दूसरे समाज पर शोभ यात्रा पर और इसके अलावा अगर मैं खासतौर पर बात करूं दुर्गा विसर्जन पर, गणेश विसर्जन पर पत्थरबाजी होती है? क्यों भाई शिवम त्यागी के हाथ में पत्थर क्यों नहीं है? जब शबे बारात का जुलूस निकल रहा है, ईद की वो जुलूस निकल रहा है, तो शिवम त्यागी के हाथ में पत्थर क्यों नहीं है? शिवम त्यागी के डर की वजह से सलमान को क्यों सिक्योरिटी नहीं चाहिए, पुलिस नहीं चाहिए? क्योंकि मैं मारता ही नहीं हूं या कोई भी मार ही नहीं रहा है, विषय बहुत साफ है। कानून व्यवस्था के अलावा भी, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है माइंडसेट का, और उस माइंडसेट की वजह से लगातार ये होता है। अब सलमान पर आते हैं या फिर जितने भी कोई भी नाम आप ले लीजिए, सरफराज पर ले लीजिए, लेकिन किसी को भी ले लीजिए, मतलब एक जेनरिक बात मैं कर रहा हूं, यहां पर विषय साफ है। जिस तरह की स्थितियां बनाई गई, जो माहौल बनाया गया, उसके बाद जो है ये सब हुआ, और उस होने का कारण सिर्फ एक ही है कि कहीं ना कहीं वो जो मानसिकता है वो बदल नहीं रही। इन्होंने कहा कि खास तौर पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि मैं तो बिना नाम जाने ये सुनते ही कि एनकाउंटर हुआ है, किस धर्म से हुआ है, बता दूंगा। लेकिन उन्होंने एक चीज मुझे नहीं बताई कि ये भारत यादव, ध्रुव त्यागी, गंगाराम, अंकित सक्सेना, किशन भरवाड़, कमलेश तिवारी, उमेश कोले, कन्हैया लाल, रिंकू शर्मा, रूपेश पांडे, रतन लाल, हर्षा प्राची, निकिता विष्णु, चंदन प्रशांत, नीरज ट्विंकल, ये सब कौन है भाई? ये किस तरीके से जो है लिंचिंग दूसरी तरफ से हो रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? और यहां पर भी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से रामगोपाल की लिंचिंग हुई है, ये पूरे के पूरे तरीके से एक मानसिकता है, और ये हर राज्य में है, देश के हर क्षेत्र में है, ना भाजपा ना कांग्रेस, आज इन सबसे दूर हर जगह है। मुझे लगता है इससे ज्यादा बात हो रही है, शिवम, इससे ज्यादा बात हो रही है, और इससे ज्यादा बात फराज की दुबई ये हो रही है कि सरफराज तालीम के लिए नौकरी चाहिए। अखिलेश यादव खुद जाकर वहां पर 30 लाख रुपए तो देके आए ही थे, उसके भाइयों तक को, तीन भाइयों तक को भी 5-5 लाख रुपए दिए थे, और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो वहां नहीं गई थी? और आज अगर मैं बात करूं तो रामगोपाल के बारे में कोई एक ट्वीट बता दीजिए, कोई एक शब्द नहीं बोला किसी ने। देखिए हमारी, राकेश जी, हमारी पार्टी जो है, मैं मानता हूं, देखिए आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं, पूरा जर्नलिस्ट ही बने बैठे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे दूंगा, पत्रकारिता ठीक नहीं है, नौकरी देने की, तो भारत के वो तमाम नौजवान जिनको मोदी जी की सरकार ने बेरोजगार कर दिया है, हम लोग उनको नौकरी देने की बात करते हैं। अब मेरे दो सवाल है, देखिए बात अभी पीडीए की हुई, हम लोग पीडीए के लिए लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अब एक सरकारी में आपको रिपोर्ट का जिक्र कर देता हूं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है, इसको पढ़िएगा शिवम जी, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में आज तक दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। फराज के भाई साहब, दलितों पर एट्रोसिटी हो रही है, अन्याय हो गया सर, इस पर आज नहीं हो रही है, कई बार चर्चा हो गई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सर फराज पर बोलिए आप बार बार भाग जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तालीम पर बोलिए आप बार बार भाग जा रहे हैं, राजो भाई, बहराइच में जो हुआ है ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर, तो बोलिए ना उतना ही सरफराज पर, क्या दिक्कत हो जा रही है? आप कह रहे हैं सरफराज तालीम को नौकरी दे दो, आप कह रहे हैं देश में बेरोजगारी बहुत है, और आपके हिसाब से सरफराज तालीम भी बेरोजगार है? मैं ये बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, और उनमें सरफराज तालीम को भी मिलना चाहिए, उनमें सरफराज तालीम को भी मिलना चाहिए। अरे अरे राकेश जी, आप मुझे बात ही नहीं पूरी करना चाहिए, और मैं पूछ तो रहा हूँ ना, नहीं फराज की भाई, यूपी में जितने बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को भी नौकरी मिलनी चाहिए, जो जो बेरोजगार है उसको नौकरी, सरफराज तालीम को भी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को भी मिलनी चाहिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार है, मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं,
या इंटरप्रिटेशन गलत हो गया शुभ्रास्ता? शिवम आऊंगा एक शुभ्रास्ता की टिप्पणी। आपका इंटरप्रिटेशन इनके विधायक नहीं नहीं ठीक है ना, आपने तो यहां पर कह दिया शुभ्रास्ता, इन्होंने यूपी में जितने बेरोजगार उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को भी नौकरी मिलनी चाहिए। मैंने सरफराज तालीम का नाम नहीं लिया। तो मैंने पूछा तो आपने मना किया। आप बोलिए सरफराज तालीम को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है? हाँ तो ठीक है, मैं कह तो रहा हूँ, आप बोलिए बेरोजगार को नौकरी मिलनी चाहिए, सरफराज तालीम को नहीं मिलनी चाहिए।